हजरत बिलाल का हदिया क्या था? वो पैगंबर के सच्चे आशिक थे, इस्लाम के पहले मौजिन, तौहीद की सदा बुलंद करने वाले। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल दोबारा अजान ना दे सके, मदीना में कयाम ना कर पाए, शाम की जानिब चले गए। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद हजरत बिलाल ने पहली बार कुद्स में अजान दी। एक रात पैगंबर अकरम ने ख्वाब में उनसे फरमाया, क्या इतनी जुदाई काफी नहीं है बिलाल? हजरत बिलाल से रहा ना गया, वो वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो गश खा के गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन तशरीफ फरमा थे। अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या देंगे? बिलाल ने गुलाम हूँ आपका जवाब दिया, इस वक्त की अजान आप दें। उन्होंने कहा। बरसों बाद मदीना हजरत बिलाल की अजान से गूंज उठा। लोगों को ऐसा लगा जैसे पैगंबर अकरम का जमाना वापस आ गया हो। सब मस्जिद की तरफ भागे। मदीने की गलियों में बिलाल की आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने ये हदिया पेश किया अपने आका के लिए।